जन शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी शनिवार को जयपुर पहुंचे। जयपुर से मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर चल रहे विवाद पर कहा कि वहां सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सबने मिलकर चुनाव लड़ा और अच्छा प्रदर्शन किया। सीटें कितनी मिली यह विषय नहीं है, हमें बहुमत मिला और हम सरकार बनाकर सत्ता में आए हैं। जो चुनाव नहीं जीता वो विपक्ष में रहा। वहीं उत्तर प्रदेश में कावड़ रूट की दुकानों पर नाम लिखने के मामले पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, सरकार भी आदेश को मान रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय चौटाला से मुलाकात को लेकर चल रही सियासी चर्चाओं को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। कौशल विकास केंद्र से जुड़े मामलों पर दोनों के बीच बातचीत हुई थी, मैं उस केंद्र का उद्घाटन करूंगा। कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय के योजनाओं की समीक्षा करने में यहाँ जयपुर पहुँचा हूँ और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ आए हैं, हमारे मंत्रालय से जुड़े अधिकारी आए हैं, तीन राज्य के JSS जन शिक्षण संस्थान को चलाने वाले संचालक और हमारे इस परिवार के सभी सदस्य उपस्थित हैं और समीक्षा भी करेंगे, उनके सुझाव भी लेंगे, जो हमारे लाभार्थी हैं उनकी बात समझेंगे, सुनेंगे कैसे हम लोग सुधार कर सकते हैं। बड़ा मैंडेट सरकार ने सौंपा है। बजटीय भाषण में जिस प्रकार से वित्त मंत्री ने एक प्राथमिकता भारत सरकार की देश के सामने रखी, वो है नौजवान, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमता की जो क्षमता है हमारे नौजवानों की उसे विकसित करना, शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार वाउचर स्कीम के माध्यम से और इंटर्नशिप के माध्यम से नौजवानों को सीधा देश के जो सबसे उत्तम कंपनीज हैं उसमें उनको रोजगार कैसे मिलेगा, उनके लिए लाल कालीन बिछाने का काम वित्त मंत्री जी ने किया है। मैं आज इस मंच के माध्यम से आपके माध्यम से उनको बधाई भी देता हूं और कौशल विकास पे विशेष बल उन्होंने दिया। 20 लाख लोगों को हमें 5 साल में ट्रेन करना है, 1000 ITI को हमें अपग्रेड करना है और आज JSS का मैं एक ब्यौरा लूँगा, JSS के दायरे को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उस पर हम विचार करें। राज्यों में और केंद्र सरकार में समन्वय लगातार बना रहे, संघीय ढांचे से देश चलता है और कंपेटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नारा जो प्रधानमंत्री ने दिया है उसे क्रियान्वित करने के लिए एक पहल है।